करेर थाना क्षेत्र में सोनचिरिया अभयारण्य के हटते ही जमीनों के खरीदने और बेचने का काम शुरू हो गया है। जिस जमीन को किसान बीज नहीं पा रहे हैं, वह जमीन के भाव आसमान छूने लगे हैं। सोनचिरिया अभयारण्य के हटते ही जमीनी विवाद भी अब सामने आने लगे हैं। करेरा थाना क्षेत्र के फतेहपुर गाँव में जमीनी विवाद को लेकर एक युवक के पैर में गोली मार दी गई। युवक को घायल अवस्था में जिला अस्पताल शिवपुरी में भर्ती कराया गया है। घायल के पैर में गोली लगी है और गोली पैर के आर पार हो गई। मोनू नामदेव की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है जयदेवपुरी। कहाँ से आए हो? फतेहपुर से। ये कहाँ पड़ता है? जी है करेरा से 20 किलोमीटर आगे। करेरा से 20 किलोमीटर? ये आपके साथ क्या कुछ घटनाक्रम हुआ? घटना जो हुई थी कि इसमें बढ़िया राजीव जी में जमीन दी थी, हमको मनाए थे बढ़िया, अपनी 3.5 लाख रुपए जहाँ बात हो गई थी, 3.5 लाख रुपए जब पूरे पहुंच चुके थे, बाकी बाद में अपन घर पे गए, बाकी पे भैया हमारी जमीन नाव का रस्टी खुल जाएंगे, तो गाय दे के बोला था पर भी दे दी, मैं आपको बताऊं, बाकी बाद में फिर बोला तू जमीन लेना, बोले हम सवेरे 6:30 बजे के लगभग जमीन अरबे के लगाए गए, वो पहले ही दुबके थे 5 जने, बाहर लगे सीधी गोली देगा भजो चलाओ। कल्लू रावत, सुषपान सिंह, कितने लोग थे? 5 लोग। कितने बजे की घटना है? जी है 6:30 और 6 के बीच में। इसकी आपने फिर शिकायत वगैरह कही थी? हाँ, शिकायत 16 नंबर लगाई थी। उसके बाद फिर क्या हुआ? अब करेरा पहुंचे और गाँव उन पट्टी वगैरह करी, टीआई साहब आ गए थे, दरोगा जी आ गए थे, भाई लगा पड़ी भाई। कितने लोग थे? नाम? 5 जने, शिषपान सिंह, नामदेव, कल्लू रावत, रामलखन रावत और गोटी राम रावत और पर्वत सिंह रावत। आपने जमीन लगभग कितनी थी वो जमीन? जमीन थी 4 बीघा 12 बजे। कितना पूरा, कितने में आपका हुआ था? 3.5 में हुआ था पूरा। पूरा ऊपर खावर जमीन, ऊपर नीचे के कुछ पैसे वैसे? नहीं, एक चवन्नी नहीं रही थी उसकी। हाँ बिल्कुल। आपने पैसे मांगे? पैसे हम लगे, अब वो बोला अगर रजिस्ट्री नहीं करवा रहा, तो मैंने कही भैया हमारे पैसे दे दो, बोले ना पैसे दूंगा मैं, बोले हाँ इसके लिए आपने गोली मारी। हाँ,